बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के विरोध में राष्ट्रीय लोक जनता दल पूर्णिया इकाई ने शहर के थाना चौक पर जिलाध्यक्ष रमेश कुशवाहा के नेतृत्व में धरना दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश कुशवाहा ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना में काफ़ी विसंगतियां हैं। 1930 में हुए जनगणना में जो जाति ज़्यादा थी वह कम हो गई और जो कम थी वह ज़्यादा हो गया। नेताओं ने इस जनगणना को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। वहीं धरना के बाद जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। लोक जनता दल जिला इकाई पूर्णिया द्वारा जातीय जनगणना में गड़बड़ी को लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना रखे हैं और धरना के साथ साथ ही डीएम महोदय के द्वारा राज्यपाल को विज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि 2015-16 में जो मतलब इंडियोग्राफी के द्वारा जो है कि अनुशंसा किया गया था, बहेलिया एक जाति है जिनका 67,535 जनसंख्या 2015-16 में दिया गया था। आज के डेट में जो 2022 में जनगणना दी गई है उसमें 8,026 जो है कि उस जाति का आया है। एक इसी में एक कहार जाति आती है जिसका 30,32,800 जनसंख्या 2015-16 में दिखाया गया था, आज उस जाति का 21,52,844 जनसंख्या है। इसी प्रकार आपको माली समाज का बतावें, माली समाज का जो है कि 13,15,465 जनसंख्या था, आज के डेट में जो है कि 3,39,000 जनसंख्या है, 10,00,000 इसकी जनसंख्या खत्म होगी। उसी प्रकार आपको बता दें कि तेली समाज है, तंबोली समाज है, चौरसिया समाज है, डांगी समाज है, कुशवाहा समाज है, इन सभी जाति का जो है कि जनसंख्या जो है कि अभी तक कुछ वृद्धि नहीं हुआ। इसी सब लेके आज हम लोग एक दिवसीय धरना रखे हैं और 14 तारीख को जो है कि हम लोग पटना में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है कि राजमार्ग में जो है कि प्रदर्शन करेंगे। और खुश नहीं है, जाति जनगणना तो साफ गलत हुआ है और वहाँ सिर्फ लालू और तेजस्वी का चला, नीतीश का नहीं चला। 1930 में जो जनगणना हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, उस समय यादव समाज को 4% दिखाया गया था और कुशवाहा समाज को भी 4.25% दिखाया गया। आज 100 साल के बाद भी कुशवाहा समाज का संख्या 4% कुछ है और एक यादव समाज का 14% से प्लस हो गया, ये कहाँ का न्याय है? और सवाल ये उठता है सभी जाति का, ये कुशवाहा की बात नहीं है, राजपूत की बात नहीं है, ब्राह्मण की बात नहीं है, भूमियार की बात नहीं है, तेली की बात नहीं है, सूरी की बात नहीं है, सभी जातियों का के साथ इन्होंने शोषण किया है, सभी जातियों की जनसंख्या की इन्होंने कटौती किया है, यह एक छलावा है। 5 जनगणना होने के बाद तुरंत इनके जदयू के प्रदेश पदाधिकारी नीरज कुमार ने अपने कार्यालय में जनगणना का पोथी लेकर किसी पार्टी के, हमारी पार्टी के नेता का जनगणना बता रहे थे, तो मुझे इस बात से होता है जनगणना नहीं की गई है। अगर जनगणना की गई तो गोपनीय होना चाहिए, ये इनके पार्टी ऑफिस में कैसे आ गया? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी इन्होंने कत्ल नहीं किया है, इनका भी इनके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए, अवमानना का मुकदमा होना चाहिए और पुनः जनगणना का जहाँ भी गलती हुई उसको पुनः लागू कर इसे ठीक से कराया जाना चाहिए। मेरा नाम है सुभाष कुमार सिंह, हम प्रदेश महासचिव हैं। हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तमाम नेता। नीतीश कुमार जी तो पहले ठीक थे लेकिन आप थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे वो RJD के संपर्क में हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं। जाति जनगणना नहीं था, ये 500 रुपया का घोटाला, 500 करोड़ का घोटाला था जो पार्टी फंड में चाहिए था लोकसभा के लिए, क्या कि इसमें देखिए आप ही खुद ऐसा तो कुछ नेचुरल डिजास्टर तो आया नहीं, आपदा कुछ मतलब प्रकृति से कुछ आपदा होता है जब जनसंख्या घटता है, कोई सुखाड़ रह गया या कोई ऐसा कोई बीमारी फैल गया जो कोई भी जात का जनसंख्या घटेगा, बढ़ना चाहिए था 1-2% सबको बढ़ना चाहिए था, यहाँ घट रहा है। मैं परिचय हुआ युवा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मंडल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। आपके फैशन से त्योहार की रौनक और बढ़ेगी दीपिक शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें मेंस, वुमेन्स, किड्स वियर के बेहतरीन ब्रांड्स एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। दूल्हा दुल्हन की सपनों की सजावट के लिए शॉपिंग का एक ही नाम, द बिग शॉप। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कंप्लीट लेडीज वियर, मेंस वियर और किड्स वियर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।